थोड़ी नाराज है, बहुत ज्यादा इलायची वाली चाय चल रही है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। तो आज दिन की शुरुआत हो रही है 9:30 में। सो अभी उठी हूँ मैं, मतलब हो गया, आधा घंटा हो गया, तो फ्रेशन अप हुई थी और अब जा रही हूँ। पहले एक्चुअली मम्मी की, जो मैंने बताया था कि रिपोर्ट्स मम्मी की सही नहीं आ रखी थी, सो वेडनेसडे एंड सैटरडे मम्मी के डॉक्टर बैठते हैं। तो आज वेडनेसडे हमने का चेकअप करवा कर फिर हम चंडीगढ़ के लिए निकलेंगे। तो मम्मी बस पहुंचने वाली है, मैंने कहा मैं अभी निकलती हूँ, मेरे तो घर के पास में है चंदन देवी, मम्मी को थोड़ा टाइम लग जाता है। तो अभी उठ के रेडी, नींद भी पूरी नहीं हो रही थी, आइस से ही आपको पता चल रहा होगा, बट मैंने को जल्दी से मम्मी का चेकअप करवाया थी। उसके बाद फिर थोड़ा ना तसल्ली रहेगी, मेडिसिन स्टार्ट हो जाएंगी और डॉक्टर क्या कहते हैं तो थोड़ा पता चल जाएगा। फिलहाल तो मैं जल्दी से निकलती हूँ। सो आइए आज के ब्लॉग की हम शुरुआत करते हैं। हॉस्पिटल पहुंचे, मम्मी बाहर ही वेट कर रहे थे। हाँ, अरे रिक्शा ही नहीं मिल रहा था सुबह सुबह, बड़ी मुश्किल से मिला है। चलो चलते हैं, ठीक है। सो गाइस, हॉस्पिटल से तो हम लोग आ गए थे वापस। एंड हॉस्पिटल में आज क्या हुआ, एक तो आज रामनवमी थी तो इस वजह से तो हॉस्पिटल बिल्कुल खाली था। हमें इतनी जल्दी नंबर हमारा आ गया, मतलब जाते ही बस बीपी वगैरह चेक करवाया, वेट चेक करवाया, 2 मिनट बाद ही हम लोगों का नंबर आ गया। तो डॉक्टर ने यही बोला है कि मम्मी को एक तो आयरन की कमी लग रही है, तो आयरन की मेडिसिन बढ़ाई है, B12 की उन्होंने दी है मेडिसिन एक तो, और शुगर की थोड़ी मेडिसिन और बढ़ाई, बिकॉज मम्मी का शुगर थोड़ा हाई आ रखा था, तो बोला आगे कंट्रोल करो शुगर को, और प्लस थोड़े से और टेस्ट लिख कर दिए, आयरन का भी टेस्ट लिख के दिए ताकि एग्जैक्ट आगे और पता चल सके। तो जो जो उन्हें कमी लगी थी उन्होंने बताया, बाकी एज सच तो बहुत ज़्यादा सीरियस वाली बात नहीं थी जैसे हमें लग रहा था। बट यस, अभी जैसे थोड़ी चेंजेस आए बॉडी में उसी टाइम दिखा देना चाहिए, तो क्या होता है जल्दी मतलब अगर पता चल जाए तो जल्दी जल्दी उसका मेडिसिन वगैरह स्टार्ट हो जाती है, जल्दी उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो आकर फटाफट मैं नहाई हूँ, मनु भी आ गए हैं, मनु बस नहाने के लिए गए हुए हैं, मैं कल तक मैं रेडी होती हूँ और फिर हम लोग निकलते हैं। तो रूम की तो अभी देखिए हालत ऐसी ही हो रखी है, सारे कपड़े यहाँ वहाँ हो रखे हैं, कोई नहीं गाइस जल्दी से रेडी होते हैं निकलने के लिए। तो हे गाइस, वेलकम बैक। तो अब हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, तो हमने कहा जाने से पहले मम्मी जी का आशीर्वाद ले लें कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। मम्मी की होती है कोई दिक्कत नहीं है, सही सही जाओ और सही सही आओ। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा आशीर्वाद है। इतने बैग चलो ठीक है मम्मी जी, लाल आके तो थकी गए। ओके मम्मी, परसों आ जाएंगे, ख्याल रखना अपना, परसों आ जाएंगे घूम फिर के, थोड़ा लांटे मॉल वगैरह घुमाए। चलो सही है, घूमो मम्मी करी घूमो फिरो ऐश करो। और क्या, भगवान ऐसी मम्मी सबको दे, क्यों भाई, भगवान ऐसी मम्मी सबको दे। जब जा रहे हो तो घूमो फिरो ऐश करो। हाँ चलो ठीक, बैठने के लिए थोड़ा जा रहे हो, कलम फ्री होंगे ना, कलम घूम लेंगे दिन में ना। ठीक है, शादी अटेंड करने से पहले टाइम मिले तो घूम फिर लेना। हाँ इतनी दूर बंदा जा रहा तो फिर होता ही है। चलो ठीक है मम्मी फिर, ठीक है जी, ठीक है, अच्छा बाय। चाचू जा रहे, चाचू को ये लाइट दिखा दे, बेस्ती करा रही चाचू को, जल्दी 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 आजा, उसका ध्यान ही उधर था, कैमरा चल रहा है, बेस्ती करवा रही है, ये लाइट में आज 2 पोनी में क्यूट लग रही है। परी चाची चाचू गए जा रहे है, चलना चलो ठीक है भाभी, परसों मिलते हैं, ठीक है परसों मिलते हैं आपसे, चलो बाय बाय। परु टिड्डो, चाची को गली नहीं पाओगे, मिलते हैं 2 दिन बाद। 2 दिन बाद आ जाएंगे भैया, चलो थोड़ा ध्यान रखना गाड़ी, थोड़ा स्लो चलाइए। परु बाय, ठीक है परु, परु से मिल लिया मैं, भाभी से मिल लिया। सो गाइस फाइनली शुभ मुहूर्त आया, हम लोग निकले हैं, मम्मी को तो मम्मी जी आ चुकी हैं। बड़ा मुश्किल निकलते हैं ये लोग। तो मम्मी का हमारे साथ आपका पहला ट्रिप है ना मम्मी? हाँ हाँ, मम्मी पहली बार हमारे साथ बाहर जा रही है। पर मैं कंचन के साथ बैठ गई इतना। हाँ तो मम्मी क्या कर रहे हो हॉस्पिटल के बाद ना, मम्मी कंचन मासी घर चले गए, हमने मैंने तो बहुत बोला, इवन ना पापा ने भी मम्मी को फोन कर लिया कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
पर मम्मी कह रही थी मम्मी डरी मम्मी मम्मी को बहन प्यारी प्यारी है। मैंने कहा वो ना बोल रही थी कंचन की चल आज जब आएगी आई हो हाँ। तो मैंने कहा चल मैं उधर ही चल जाती हूँ 3-4 घंटे उधर ही बैठ जाती कंचन। चलो कोई नहीं एक ही बात है वहाँ बैठो यहाँ बैठो। फाइनली अभी तो निकले हैं और हम लोगों ने ना कुछ भी मतलब मैंने तो हल्का फुल्का सा खा लिया था बट मनु ने कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो अभी हमने ना फटाफट मैकडोनल्ड से पहले ही मैंने ऑर्डर कर दिया है तो अभी रास्ते में ही आएगा तो हमने कहा वहाँ से पिक कर लेंगे बिकॉज बाद में वो बहुत टाइम लगा देते हैं बहुत तेज धूप लगी है। हाँ तो अभी हम लोगों की तो ऐसी हालत हो रखी है अब इतना लेट निकले कि हमारे पास अभी कहीं और रुकने का टाइम ही नहीं है इसलिए हमने सोचा गाड़ी में ही लेते हैं फटाफट गाड़ी में ही खा के साथ साथ निकल लेंगे। जी हाँ जी ये कैसे ये शेड लगा रखा ऊपर ये स्टाइल है ये मनु स्टाइल है। मैं कह रही हूँ मैकडी से देखो कितना सामान मैंने देखो कितना सारा ऑर्डर कर लिया सारा कैसे मिल गया 330 रुपीज में गाइस मैंने ये 2 कोक 2 बर्गर 2 मैकपफ 2 फ्रेंच फ्राइज बहुत ज्यादा ही मिल गया है बहुत ज्यादा मिला है स्विगी जिंदाबाद। अच्छा 330 रुपए में इतना सब कुछ। हाँ 143 की ना मील दे रहे हैं ये। अच्छा सो गाइज 143 रुपीज में मील आ रही है कि इसमें ना मैकालू बर्गर मैकपफ स्मॉल साइज के फ्राइज स्मॉल साइज की कोक आपको मिल रही है उसमें भी हमने स्विगी से ऑर्डर किया 50 रुपीज हमें और ऑफ मिल गया तो जो टैक्स लग रहा था वो इक्वल हो गया तो हमें 330 रुपीज का इतना सारा सामान आ गया। सही है ना बहुत सही है। और ऐसे बर्गर किंग पे भी चल रहे हैं ऑफर ये लोग खा लो कुछ पहले मम्मी फ्राइज दे रही हूँ आपको ठीक है। अभी बस पश्चिम विहार के पेट्रोल पंप पे आए हैं तो हमें का पेट्रोल और सीएनजी दोनों फुल करवा लेते हैं और सो मैं रास्ते में अब दोबारा कहीं पे ना रुक रहे तो मम्मी को मैं कह रही हूँ ट्राई करो एक एविएटर भी बड़ा और मम्मी को ट्राई नहीं कर रही नहीं करना नहीं सो हमने तो बस ये कोल्ड ड्रिंक लिया है मम्मी ने दो अपने लिए लस्सी ली है और अंकल चिप्स लिया वो मिले ही नहीं मम्मी मनु कह रहे थे बारबेक्यू कौन सा बड़ा खाते वो वाले मिले ही नहीं है तो कोई नहीं ये लेकर फिर चलते हैं। वो वाले नहीं मिले बारबेक्यू कौन नहीं हिमालयन सॉल्ट वाले थे मैं पता नहीं कैसे होंगे वो बड़ा छोटू सा था तो कुछ समझ नहीं आ रहा था पैर रखने की वजह से लग रहा था यहाँ मुड़ो कुछ समझ नहीं आ रहा था कम चीजें भी थी ना छोटा सा था ये वाला स्टोर कोई नहीं कोल्ड ड्रिंक वगैरह मम्मी ने लस्सी ली है कोल्ड ड्रिंक ले ली और एक अंकल चिप्स ले लिया ठीक है। सो गाइस हम लोग जीडी करनाल रोड है ना मन्नू वहाँ पे पहुंच चुके हैं और ये यहाँ का फेमस कूड़े वाला पहाड़ जैसे ही ये आ जाता है ना मुझे पता चल जाता है कि हाँ अब हम दिल्ली से बाहर आ गए हैं बस मतलब आने वाली है आ गए आने वाले वैसे नहीं मतलब कहने की बात है कूड़े वाला पहाड़ है मेंटेन कितना कूड़ा भी एकदम कूड़े की वैल्यू है पहले मैं सोचती थी नॉर्मल पहाड़ है बाद में मुझे बहुत टाइम बाद पता चला था कि कूड़े वाला पहाड़ है तो कमेंट्स में बताना आप लोगों को पता है कि नहीं पता ये कूड़े वाला पहाड़ जो कूड़े के पहाड़ में देखो लोरियां चल रही है देखो ऊपर जा रही है वो देखो कितने खतरे से जा रही है ऊपर ऊपर कहाँ पता नहीं रास्ता कहाँ घूम रहा है वो अभी यहाँ पे एकदम परफेक्ट धूप आ रखी है और धूप में ना कलर बहुत अच्छे से दिख रहा है वैसे जो घर की लाइट्स होती है उसमें कलर ना मतलब इतना नहीं पता चलता है बट इतना नहीं डार्क ब्राउन आता है अभी पूरा एकदम कलर इनहेंस हो रखा है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है अपने हेयर कलर ना कॉमेंट्स में बताना आपको कलर कैसा लगा है प्लस हमने जो ये वाले शेड्स वेयर कर रखे हैं गोवा की ट्रिप में भी हमने ये वाले वेयर करे हुए थे एंड हमारे पास कॉमेंट्स बार बार आए थे कि आप प्लीज़ उसका लिंक शेयर करना तो अभी हम दोनों के जो शेड्स हैं उन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ गाइस अभी इसमें बहुत अमेजिंग ऑफर चल रहा है मेरे वाले जो है वो कैट आई वाले हैं मनु के नॉर्मल वाले जो होते हैं वैसे ही है तो दोनों के ब्लैक में है बहुत सुंदर है और भी बहुत अच्छे अच्छे शेड्स हैं इसके तो उसका मैंने पूरा का पूरा एक वो बना रखा है सारे एक साथ मैंने कर रखे तो उसका पूरा लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर जाके आप चेक कीजिए और अपने लिए प्यारे प्यारे से शेड्स ऑर्डर कीजिए। हम लोग करनाल रोड की साइड पे आए हैं तो यहाँ पे फ्लाईओवर बन रहे हैं एक एक हीरा ऊपर जो हमारे ऊपर से गया अभी काफी ये देखो सामने है ना तो लास्ट टाइम इसी चक्कर में तो नहीं था जब हम आए थे वो कह रहे थे कुछ बन रहा है कुछ हो रहा है ना ये नहीं चक्कर में क्योंकि हम ज्यादा आगे तक तो फिर आए नहीं थे ये शायद वहाँ से आ रहा है कहीं कहाँ से अपना जो पीछे जब जगह पड़ती होंगी हरियाणा की पूरा ही फ्लाईओवर बन रहा है रोड पे अगर आप लोगों को पता है किसी को तो हमें जरूर बताना कि कौन सा फ्लाईओवर बन रहा है कहाँ से शुरू होके कहाँ को जा रहा है।
हम लोग उसी ही रास्ते पे आ गए हैं जब हम लास्ट टाइम 2 वीक्स पहले हम निकले थे. 2 वीक्स पहले भी हम सेम जगह पे ही, सेम टाइम, सेम जगह, सेम ट्रैफिक सानू मिली सी. आज फिर वही ट्रैफिक हमें मिल गया है, क्या कर सकते हैं, है ना. कोई बात नहीं मम्मी, नसीब में वही मिलता ही. हाँ, नींद पूरी हो रही है. हाँ, मैं सो रही हूँ. सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, आराम कर लो, आराम से पीछे, आराम से हेड रेस्ट कर लो, आराम से लेट जाओ. वेलकम टू हरियाणा. पौने घंटे के बाद फाइनली हम इतने आगे बढ़ पाए हैं. हाँ, और अभी भी ट्रैफिक है गाइस. पौने घंटे से भी वैसे 45-50 मिनट हो गए होंगे ना मनु, तब से हम ऐसे ही लटके हुए हैं. बस ये जो फ्लाईओवर है ना, ये वाला जो जहाँ पर जो कट लगा हुआ है, जहाँ से फ्लाईओवर स्टार्ट होता है, उसी के सामने बिल्कुल है एडिडास का आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट. तो वहीं से ही है, बस ये देख लो यहाँ तक बंद था, अब दोबारा फ्लाईओवर चालू हो. वही अपना हाईवे छोटा सा जाम, छोटी सी जगह है जो रिपेयर हो रही है, उसके चक्कर में ही पौने घंटे का जाम है, उसके बाद सारा खाली है. मनु टाइम कितना हो रहा है, 8 बज गए हैं ना, और हम अभी कहाँ पहुँचे, कुरुक्षेत्र. सो अभी हम यहाँ पे रुके हैं फ्रेश अप होने के लिए हवेली पे. भूख तो नहीं है, बट हमने कहा छोटा मोटा कुछ खाने पीने को ले लेते हैं. ठीक है मम्मी, कुछ लेना खा पी लो, खाना पीना है कुछ, चाय वगैरह कुछ पीनी है पी लो, पी लो, फिर टाइम वेस्ट मत करो. ठीक है, मैं यहाँ देख लेती हूँ. अभी बस वहाँ से हमने एक पॉपकॉर्न लिया है, और अपने लिए हमने कोल्ड कॉफी लिया. हमने कहा थोड़ी सी नींद कम हो, और ये बैग अभी मैकडी का ऐसे ही बड़ा बाहर फेंक दिए, और मम्मी ने अपने लिए नमकीन ले ली है. हाँ खा लो, मम्मी को तो बहुत बोला चाय पी लो, चाय पी लो, मम्मी ने पी नहीं. चलो कोई नहीं. हम लोग अगेन ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, मतलब अभी तो काफी देर से लगे हुए थे ट्रैफिक में, बट यहाँ पे ना बहुत अच्छा बना हुआ है. देखना स्टारबक्स है, ड्राइव थ्रू दे रखा है स्टारबक्स का, और बहुत सारे यहाँ पर मैकडी बीकानेर वाले सारा बर्गर किंग सब कुछ है यहाँ पे, बहुत सही बना रखा है. कौन सी जगह मतलब ये वाली, ये अपना पड़ता है जीरकपुर हाईवे, जो अपना नहीं है जीरकपुर हाईवे, मोहाली वाला लेफ्ट जाएंगे तो मोहाली आएगा. ओके, मतलब ये कैसे समझाऊं, चंडीगढ़ हाईवे, चंडीगढ़ हाईवे. ठीक है, तो गाइस ये यहाँ पर आके मुझे एक अपने दिल्ली की याद आ गई, महिपालपुर रोड की. सेम वैसी रोड नहीं लग रही पूजा, मुझे वैसे नहीं पता महिपालपुर रोड कौन सी, ये वाली जहाँ पर वो पूरे होटल्स वगैरह. अच्छा, हाँ 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 हाँ, वो जो गुड़गांव साइड पे जाने के लिए ऊपर वो आते हैं. हाँ, गुड़गांव फ्लाईओवर. हाँ, फ्लाईओवर के उधर. हाँ, बिल्कुल पूरी रोड वैसी की वैसी है, साथ में फ्लाईओवर चल रहा है. अभी एक विंडो ओपन करके दिखाती हूँ गाइस, ये देखिए ऐसे सारा बना हुआ है. सही है, साथ में फ्लाईओवर चल रहा है, बिल्कुल सेम विंडो वैसा का वैसा वैसे ही बना हुआ है. राइट राइट, और एक बार लेफ्ट में दिखाओ, ये देखो बहुत सही बना हुआ है. सेम मेरे को वहाँ की याद आ रही. हाँ, बहुत सही बना हुआ है यहाँ पे ना, पूरे सारे के सारे ब्रांड जो हमने जितने होंगे ना सब ब्रांड एक ही रोड पे हमने देख लिया है. काफी अच्छा बना हुआ है, सुधार हो गया. अगर आप लोगों को व्लॉग, क्योंकि नेक्स्ट डे आता है, उससे पहले अगर आपको हमारी मतलब लाइफ के बारे में थोड़ा बहुत और जानना है व्लॉग से पहले, मतलब सेम टाइम पे ही, तो आप स्नैपचैट पे फॉलो कर सकते हैं हमें. हमारी जो स्नैपचैट की आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने उसका लिंक दे रखा है. तो जिन लोगों ने अभी तक हमें स्नैपचैट पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो जल्दी से जाके आप हमें सब्सक्राइब कीजिए हमारे स्नैपचैट को भी, सो देट आपको व्लॉग से पहले स्टोरीज दिख जाए. वैसे हम पहले ही कम एक्टिव रहते हैं, मंदू रहते हैं, अब हम डेली एक्टिव रहते हैं, तो आपको हमारी पूरी रिपोर्ट मिलती रहेगी व्लॉग से पहले. स्नैपचैट पे हम कहाँ है, कितने बजे क्या है, व्लॉग में तो फिर भी टाइमिंग्स नहीं पता चलती, स्नैपचैट पे तो मैं टाइम साथ में डालती हूँ, टाइम के साथ आपको हर चीज पता चला करेगी. तो गाइस जल्दी जाइए और स्नैपचैट पे फॉलो करिए, और जैसे ही ज्यादा मतलब स्नैपचैट पे लोग ऐड करते रहेंगे तो ऑब्वियसली मैं ज्यादा से ज्यादा और एक्टिव व्लॉग करूंगी. सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है गाइस. सो गाइस हम लोग तो पहुंच चुके हैं, 10:15 बज रहे हैं ना, 10:15 बजे पहुंचे. अब सब कुछ वाइंड अप हो चुका है, बिकॉज यहाँ पे कंसर्न बता रहे थे कि डीजे जो है 10 बजे तक ही अलाउड है, उसके बाद अलाउड नहीं है. तो हमारे आने से पहले ही सब कुछ वाइंड अप हो रहा है, डिनर भी वाइंड अप होने वाला था. तो कंचन कह रही मिलो विलो बाद में, पहले डिनर करो उसके बाद फिर कुछ करो. सो अभी आपको ब्राइड टू बी से भी मिलवाते हैं, पहले बस पेट पूजा कर लेते हैं. सो ब्राइड टू बी से भी मिल लीजिए गाइज, अभी हमसे थोड़ी नाराज है, बहुत ज्यादा है, मैंने करेक्ट कर दिया पहले ही. ये सारा फंक्शन खत्म हो गया. अब पहले हमने अच्छे खासा सोचा अपनी शक्ल दिखाने के लिए और गुड नाइट.
मिडनाइट बोलने के लिए बस। हमें भाई सच में इतना नहीं पता था कि 10 बजे पूरा मतलब वाइंड अप हो जाएगा। हम लोगों का तो 1-2 बजे 4-5 घंटे पहले आना चाहिए था। हाँ, एंजॉयमेंट हो जाता। साढ़े 8 बजे हम लोगों ने डांस करना शुरू किया, 8:30-9 बजे तक डांस किया, 1 घंटा। ओके, वही 9 बजे तक भी आ जाते ना हमारा हो जाता। और भी 100 काम होते हैं तो। आज छुड़ा छुड़ाई हो गई ना, देखो कवर इरिटेट नहीं कर रहे मेरे को, तो बहुत वो हो रहे थे। मेरी जब शादी हुई थी ना, नेक्स्ट डे मेरा गले की बैंड बजी हुई थी, आवाज नहीं आ रही थी मेरी ठीक से, बिल्कुल बैठा पड़ा था गला मेरा। अभी से ही बुरा हाल है, पूरा थ्रोट इन्फेक्शन, एलर्जी, हेडेक। शादी के टाइम पे रहते ही है, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता है। सो गाइस, आपको दिखाया था आज हम बहुत जल्दी जल्दी में ही निकले थे, तो इस चक्कर में ना मैंने सूट आपको अपनी फुल लुक दिखाई दी थी, तो मैंने कहा अभी हम मतलब डिनर करके फ्री हुए हैं तो सबसे पहले फुल लुक दिखा देती हूँ, उसके बाद जाके भी कहीं ना चेंज करने वाली हूँ। तो ये वाला जो ब्यूटीफुल सा सूट है, बनारसी सूट है, भाभी भी बोल रहे थे बहुत सुंदर लग रहा है, मम्मी भी बोल रहे थे बहुत सुंदर लग रहा है, मैंने कहा आपको दिखा देती हूँ। ये वाला जो सूट मैंने ऑर्डर किया है, ये फॉरएवर फैशन बाय आयुषी से किया हुआ है, तो उनका जो नंबर है मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ। आपको अगर इसका प्राइस पूछना है, ऑर्डर करना है, और भी इनके पास बहुत बहुत प्यारे प्यारे सूट्स हैं, तो नंबर यहाँ पे है, और इनका जो इंस्टाग्राम का लिंक है और फेसबुक का जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। ये लाइव आते हैं हर वक्त, में जो भी इनकी फ्रेश कलेक्शन होती है वो दिखाते हैं, तो ये बहुत है सुंदर सूट है। इस पर भी पूरी लाइनिंग लगी हुई है शर्ट पर, और नीचे ऐसे बॉटम्स में ये पैंट्स है और बनारसी चुनी है, तो बहुत प्यारा सूट है। कॉमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये वाला सूट कैसा है। हम लोगों ने तो रूम में चेक इन कर लिया, मैंने कहा एक बार आपको रूम का व्यू दिखाई देती हूँ। सो ये है हमारा रूम, और आज मम्मी भी हमारे साथ ही है, बिकॉज मम्मी तो बिल्कुल अपना नाइट शूट वगैरह चेंज करके मम्मी बिल्कुल लेट गए हैं। कंफर्टेबल होके बैठ गई, हाँ थक भी बहुत गई हूँ। 7 घंटे लग गया टाइम ना, ट्रैफिक था ना, मुझे नींद भी आ रही है, हालांकि मैं सोते हुए आई हूँ। 1 घंटा पहले आ जाते ना मन्नू, फंक्शन अटेंड हो जाता, सिर्फ 1 घंटे की देरी हो गई हमसे ना। 3 बजे निकला था, 10 बजे पहुंचे। हाँ टाइम लग गया, 1.5 घंटा ट्रैफिक में लग गया। हाँ चलो कोई नहीं, और यहाँ की ना मैं आपको बालकनी कह रही थी ना, बालकनी एक बार देखो आप भी, अभी आप गए थे ना नीचे, हमने बालकनी देखी, और यहाँ पे मेरे बालकनी बहुत सही है, मतलब इतनी ठंडक आ रही थी बालकनी में से। अभी तो चलो एसी चल रहा है ना, इसलिए हमने बालकनी फिर खोली नहीं, मेन रोड पे ही है। हाँ नीचे ये रही कार पार्क करी थी, यहीं से तो आए थे, यहाँ से आए थे गए, और कितना खुला डुल्ला है ना, और इतनी ठंडक हो रखी है, बहुत सही हो रखा है। तो साथ वाली बिल्डिंग बन रही है, हाँ बहुत सही है। अभी बस नाइट शूट चेंज करा है, एंड अब हमने लोगों ने सोचा थोड़ा सा हम देख कर आते हैं, थोड़ा सा घूम कर आते हैं। अभी एक तो हो रहा है कि मम्मी को भी चाय पीनी है, और हमें भी हो रहा है थोड़ा सा देख कर आते हैं कि क्या। वैसे तो यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है चंडीगढ़ में, मजा नहीं, सब ने बोला है कि यहाँ पे नाइट लाइफ नहीं है, सिर्फ क्लब्स एंड ऑल है, बाकी यहाँ पे 11 बजे तक सब कुछ बंद हो जाता है। बट चलो देखते हैं, कुछ मिल जाए तो ठीक है, वरना एक राउंड मार के हम लोग आ जाएंगे वापस। ऐसा आप लोगों को हमने बताया था मम्मी का चाय पीने का, हमारा भी हल्का फुल्का सा मंचिंग करने का मन कर रहा था, तो हमने ना ऑनलाइन देखा। वैसे तो यहाँ पे मतलब मोस्टली जल्दी बंद हो ही जाता है सब कुछ, बट ऑनलाइन हमें एक चाय सुट्टा बार दिखा था सेक्टर 22 में, तो हम वहाँ की साइड आए, और ये बता रहे ये है चाय सुट्टा बार, और ये बता रहे हैं कि 24/7 खुला रहता है। अभी हमने अपना ऑर्डर दिया है, यहाँ का ऑर्डर ना बहुत मतलब यहाँ का जो मेन्यू थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है ना, और प्राइजेज है ना बहुत बहुत रीजनेबल है। मैं भी आपको इधर का मेन्यू दिखाती हूँ, अगर आप लोग मतलब मेन्यू को कोई वहाँ पे आता है चंडीगढ़ में, और रात को अगर आपको कुछ मंचिंग करनी है तो 24/7 खुला है, 24 घंटे और 7 दिन खुलता है, 7 दिन खुलता है। बाकी भी टेस्ट करके देखते हैं कैसा आता है। हमने तो अभी सैंडविच ऑर्डर करे हैं, कोल्ड कॉफ़ी और मम्मी ने चाय, और मन्नू का कुछ पीने का मन था नहीं, तो वो कह रहे थे मेरे में से शेयर कर लेंगे थोड़ी बहुत सी, तो बाकी अब ऑर्डर आता है तो फिर आपको दिखाते हैं। अभी यहाँ पर आए हैं, ये मंगाया हमने, फ्राइज मंगाए हैं, कॉफ़ी, मम्मी इलायची वाली चाय चल रही है, बड़ी देर से मम्मी डिमांड कर रही थी कि बहुत मन कर रहा है। 100 रुपीज की दोनों चीजें, कोल्ड कॉफी, फ्राइज, पैक करवा दिए आपके लिए, आप कह रहे घर जाके होटल जाके खाएंगे तो पैक करवा दिए, ठीक इसमें से पी ले दो सिर्फ, अच्छी है कोल्ड कॉफी। मुझे खाना इनका बहुत अच्छा था, टेस्टी, मैं तो स्पेशली बोलने गई हूँ, थैंक यू करने के, बहुत यम्मी था। तो गाइस मैं कह रहा हूँ कि रात को पूरी रात खुलता है और 7 दिन, और खाना इतना लाजवाब था, इतने प्रकार के मतलब ये लगा लीजिए सैंडविच के अंदर 15 टाइप पीस टाइप के सैंडविच थे इनके पास,
कॉफी के अंदर 20 टाइप की कॉफी, चाय के अंदर 20 टाइप की चाय, मतलब बहुत अल्टीमेट था। हाँ, और प्राइस रीजनेबल, हम तो हैरान थे। ये लगा लीजिए 70 रुपए की कॉफी, 65 रुपए की कॉफी, मतलब बहुत कोल्ड कॉफी। हाँ, कोल्ड कॉफी वो भी, चाय तो 25 रुपए, 20 रुपए, 30 रुपए। मतलब आपने देख लिया एम्बियंस वगैरह कैसा था, क्राउड पूरी रात बैठा रहता है, अच्छा क्राउड होता है। और यहाँ की चंडीगढ़ की प्लस पॉइंट मुझे ये लगा कि यहाँ के जो पुलिस वाले होते हैं बहुत बढ़िया नेचर के होते हैं। एक्चुअली अभी क्या हुआ था कि अभी हम आ रहे थे तो उन्होंने हाथ दिया कि तब हमें करते ही है, तब हमें रूल पता चला कि हाई बीम पे नहीं चलानी। हाँ। हाई बीम का यहाँ पर चंडीगढ़ में चलाना है। हाँ। तो फिर हमने कहा चलो सॉरी सर, हम तो दिल्ली से हैं, हमें पता नहीं था। कह रहे कोई बात नहीं। फिर हमने उनसे पूछा चाय वगैरह कहाँ मिलती है यहाँ पर बढ़िया, तो उन्होंने हमें पूरा गाइड करा कि आप ऐसे चले जाओ। हाँ। कोई बात नहीं, दोबारा ऐसी गलती मत करना। हाँ। हाई बीम में चलाना, तो इसलिए देख लो अब हाई बीम बंद करके हमने। हाँ। और ये देखो ये होती है हाई बीम, अब हमने यहाँ पर बंद कर दी है। हाँ। तो मतलब काफी अच्छा रहा यहाँ का तो। हाँ। बाकी कल और घूमते हैं, देखते हैं कल क्या चीज नई दिखती है हमें, कोई अच्छी चीज दिल्ली के हटके, तो जरूर बताएंगे आपको। सो गाइज, मनु का चार्जर तो कार में ही रह गया था, तो हम लेने ही आए थे यहाँ पे। मनु मौसम मैंने यहाँ पे रखा था इसके नीचे ना, और बाकी अडेप्टर नहीं पता मुझे अडेप्टर कहाँ पे। बॉटल भी उठा लो पानी की ना, जिंदगी में ना। हाँ, जहर को मेरी जिंदगी से दूर कर दो। ये मत पीना गाइज कभी भी दोबारा, बहुत बेकार था। हाथ जोड़ के दिखती है ये, देख लो आप नाम, नेस कैफे पिलाते, बहुत ही बेकार था। जहर कड़वी है बिल्कुल, लाटे लिया था मैं इसके 30 रुपए, 3 रुपए तो नहीं कह रहा, 30 रुपए ना दूं उसके। हाँ, 130 रुपए की है, जून जल गया। मौसम कितना अच्छा बन रहा है यहाँ पे, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। हाँ, मैं भी टेम्परेचर, मेरे को तो देखो खुद गूज बम्स आने लग गए गाइस, बहुत ठंड है। चलो ऊपर यार, मेरे से यहाँ पे नहीं हुआ जा रहा, चलो चलो। तो गाइस अब रूम पे तो आ गए है, अब हमने कहा चलो अब सोते हैं, बिकॉज सुबह से नींद पूरी नहीं हो रही, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे आके नींद ही नहीं आ रही है। अभी हमें ऐसा मन कर रहा है हम थोड़ी देर और जागे रहे, बट सोना तो है ही। सुबह भी हमें उन्होंने कहा है कि अब सारे फंक्शन तो मिस कर ही चुके हैं, तो कम से कम अब सुबह आ जाना, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह है। उसके बाद हम सोच रहे हैं वहाँ से होकर फिर हम थोड़ा चंडीगढ़ घूमते हैं। बाकी आप लोग भी कॉमेंट्स में बताओ चंडीगढ़ में घूमने के लिए कोई बहुत अच्छी जगह। बाकी लेंटे है ना मॉल, तो हमने सोच ही रखा है जाने का। बाकी आप लोग भी हमें कमेंट्स में जरूर बताना कि हम और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। तो बस गाइज, इसी के साथ ये वाला जो ब्लॉग है करती हूँ मैं यहीं पे है। जाने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, कल है शादी वाला ब्लॉग, तो साथ जुड़े रहिए और चंडीगढ़ की ट्रिप की क्या कहते हैं चंडीगढ़ की ट्रिप के ब्लॉग्स के मजे लेते रहिए। तो मिलते हैं कल वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।